तो मैं भी अशन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि फाइनली यहाँ पे हमने अपने डिवाइस के अंदर एक और कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लिया है जिसका नाम है वुल्फ ओएस। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा MIUI 13.0.15 या Redmi Note 11 डिवाइस के लिए स्पेसिफिकली, और आप चाहो तो ये अपने किसी भी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो Xiaomi का, अगर आपके लिए ये रोम अवेलेबल है तो। ठीक है, तो सबसे पहले इस रोम का भी जब मैं आपको नाम बता दूँ तो इस रोम का जो नाम है वो है वुल्फ ओएस। आपको कुछ स्टेप से देखने को मिलता है, ऑल स्पेक्स में जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं Redmi Note 12 6GB रैम स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है, एंड साथ ही साथ आपको इसके अंदर MIUI 13 के साथ एंड्रॉइड वर्जन 12 देखने को मिलता है, जो कि अगर काफी सही बात है। देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 12 आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि अगर काफी सही है। एंड्रॉइड 13 रहता तो और भाई मजे ही मजे हो जाते, पर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी इनका कुछ स्टेप्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉइड की तरह आपको जो इसका अबाउट पेज है वो देखने को मिल रहा होगा। स्टॉक एंड्रॉइड में भी आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वुल्फ इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, एंड इस कस्टम रोम को जो नाम है वो है वुल्फ ओएस लेगेसी। यानी कि देख सकते हैं ये जो है Xiaomi.eu रोम पर बेस्ड है, Xiaomi.eu का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है वर्जन 13.0.15, जो कि 1-2-3 महीने पुराना है, जो कि लेटेस्ट ही है अभी फिलहाल के लिए। उसी रोम को मोड करके इस रोम को बनाया गया जिसका नाम है वुल्फ ओएस लेगेसी। आपको देख सकते हैं Redmi Note 11 आपको आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब यार सही लगता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अबाउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इनके थोड़े बहुत डेवलपर वगैरह वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। बाकी इस रोम को इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। बाकी एक वीडियो भी बना चुका हूं कि कस्टमर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत फीचर की बात करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसका जो कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं कुछ स्टेप से MIUI 13 का देखने को मिलता है। यहाँ पे स्मार्ट हब प्लेबैक सब कुछ देखने को मिलता है, एंड इसमें भी आप बहुत सारे चेंजेस वगैरह कर सकते हो, एंड दिखने में भी काफी अच्छा है, एंड देख सकते हैं काफी ज्यादा स्मूथ वर्किंग करता है, एंड मुझे यार काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी जैसे इनकी जो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन देख सकते काफी अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट रोम है, एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्टिंग से लैगिंग का जो है एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। बाकी वॉल्यूम पैनल की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम पैनल आपको देख सकते हैं एकदम ब्लरी शेड में MIUI 13 का देखने को मिलता है, साथ में देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर भी आपको देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ देख सकते कुछ स्टेप से नॉर्मल सी लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। बाकी देख सकते यहाँ पे आपको मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे पावर मैन की बात, तो पावर मैन आपको कुछ स्टेप से देखने को मिलते हैं, फास्ट बूट रिकवरी पावर ऑफ रोबोट, मतलब देख सकते कुछ स्टेप से एकदम लेटेस्ट वाला जो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें अदर सेटिंग्स की तो सारे सेटिंग आपको MIUI 13 से सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, बस थोड़े बहुत इसमें आपको एक्स्ट्रा UI देखने को मिलता है, जैसे कि वुल्फ इंटरफेस। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो अपने हिसाब से डिस्प्ले साइज वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो, पिक्चर इन पिक्चर मोड का यहाँ पे एनेबल वगैरह कर सकते हो, उनकी जो साइज है वैसे चेंज वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल सेंटर, तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का जो स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे तो फिलहाल कंट्रोल सेंटर को इस टाइप से देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं स्किप करूँगा तो यहाँ पे आपको 6-6 जो है स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि MIUI 12 के कंट्रोल सेंटर में वर्क करता है, यहाँ पे फिलहाल मैंने MIUI 13 का इनेबल कर रखा है। ठीक है, तो ये बात होगी आप इसमें कंट्रोल सेंटर में छेड़खानी या कलर वगैरह लगा सकते हो। बाकी बात करें स्टेटस बार एंड सेटिंग्स की तो यहाँ पे सिंपली देखने को मिलते हैं, यहाँ पे स्टेटस बार का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो वुल्फ डुअल स्टाइल, तो सिंपली मैं इस पर टैप करूंगा तो देख सकते ऊपर का जो स्टाइल आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, देख सकते डबल डबल आ जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं और एक बार चेंज करूँ यहाँ पे 4-5 अगर कर देते जैसे कुछ इस टाइप से आपको स्टाइल देखने को मिलते हैं, जो अगर मुझे काफी ज्यादा देखने में अच्छा लगा। बाकी अभी मार्स का देख सकते कुछ स्टेप से एनिमेशन देखने को मिलते हैं। अब अपने MI अकाउंट का टॉप पे जो आता है ना वो उसको यहाँ पे हाइड कर सकते हो। अभी GPU ट्यूनर आपको देखने को मिलता है, रिस्टार्ट UI आइकन, यहाँ पे कलर मोनेट का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप एनेबल करोगे तो आपके जो है कंट्रोल सेंटर के अंदर मोनेट डीम सपोर्ट करने लग जाएगा। सिंपली हम इसको देख सकते कुछ स्टेप से फोकस कर देते हैं, हमारा कैमरा जो है फर्जी है, देख से आपका जो वॉलपेपर उसके हिसाब से आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो मोनेट सपोर्ट करने लग जाएगा। यहाँ पे आइकॉन स्टाइल वोल्टी यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे वो काफी सारे स्टाइल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, फिर लेफ्ट आइकॉन सिग्नल सिक्योर ऐप स्क्रीनशॉट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ सिग्नल आइकॉन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 5G लगा सकते हो या फिर LTE भी लगा सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे वाईफाई ऑन है तो मैं आपको सिंबल चेंज होते हुए दिखा नहीं सकता। बाकी और सेटिंग्स की बात करें तो वो है नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर एकदम नॉर्मल सा जो आपकी सेटिंग्स में होता है वही खुल जाता है। अदर सेटिंग कलर की बात करें जहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको बाहर भी पहुंचा सकता है, लेकिन आप इसमें आराम से इजीली जो है अपनी मनपसंद कस्टमाइजेशन कर सकते हो। नेविगेशन पल्स की बात करते हो, यहाँ पे आप जो भी वीडियो वगैरह चलोगे तो यहाँ पे नीचे से आपको कुछ इस से देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली दिखा के ही दिखा देता है, वो बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सिंपली हम जाएंगे यूट्यूब पर, एंड आप कोई भी यहाँ पे कोई भी वीडियो लगा जैसे फॉर एग्जाम्पल में ये यहाँ पे देख सकते कुछ स्टेप से आपको
तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे कुछ इस टाइप से। अगर आप ये डार्क मोड में आपको ब्लैक और नॉर्मल मोड में आपको व्हाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वीडियो चल रही है, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से विजुअलाइजेशन तो सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सिंपली आपको शो पल्स का ऑप्शन जो है एनेबल करना होगा उस सेटिंग के लिए। वे पल्स का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, रेड वगैरह जो भी। यहाँ पे मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर रखा था जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सॉलिड मोड, फेडिंग मोड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे काफी सारे सेटिंग्स जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन आपको नॉर्मल से जो आपके सेटिंग्स के अंदर होता है वो आप यहाँ पे चेकआउट वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है वो कस्टम स्टाइल्स का, इसमें भी आप बहुत सारी छेड़खानियां कर सकते हो। बाकी आपको इसमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। एडिशनल में मेमोरी एक्सटेंशन में जाएंगे तो आपको वही नॉर्मल से आपको जो पहले देखने को मिलता था वही देखने को मिलता है। एंड इसमें ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलते। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको लिमिट वगैरह देखने को नहीं मिलती, आप चाहे तो अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हो। बाकी चार्जिंग एनिमेशन एंड वही नॉर्मल सी चीज़ें। यहाँ पर वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन जो चाइना में होता है वह पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सीखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। रूम जो है काफ़ी स्मूथ है एंड थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। एंड मुझे फिलहाल तो ये रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्ले स्टोर में आपको दिखा दो ये डिवाइस जो है सर्टिफाइड है नहीं, तो सबसे पहले हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो डिवाइस है नॉट सर्टिफाइड देखने को मिलता है। बट इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं वाली, मेरे को आज तक डिवाइस नॉट सर्टिफाइड इससे कोई प्रॉब्लम आज तक कभी हुई नहीं है, तो आपको भी शायद ये नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे सेटिंग इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोर के अंदर जो है देख सकते काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लॉन्चर का इंस्टॉल कर रखा है, नहीं तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे सिस्टम लॉन्चर के जो फीचर देखने को मिलते। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक टेस्टिंग के लिए दूसरा लॉन्चर इंस्टॉल कर रखा है, तो बाकी आप इस रूम का इजीली टेस्ट कर सकते हो। बाकी बात करें इस रूम को इंस्टॉल कैसे करना, तो इसकी जो फाइल डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली TWLP रिकवरी को ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम आप इसको दबा के सिंपली आपको रूम फ्लैश करनी है, उसके अंदर फॉर्मेट डेटा कर देना एंड आपको सिंपली आपको जो डेटा उसका बैकअप करके मैजेस वगैरह ले लेना एंड सिंपली रिबूट कर देना, आप इस रूम में आ जाओगे। एंड ये रूम काफ़ी ज़्यादा मस्त है, डेली ड्राइवर आप इसको एज अ डेली ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हो। जिससे आपको इसमें सबसे पहले अच्छी बात जो है MI डायलर देखने को मिलता है, जिसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। तो यार यही यार छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।